हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटे के बटन को दबाएं। रतलाम के पिपलोदाम में आशा एवं उषा सहयोगिनी कार्यकर्ता ने अपने अधिकारों के साथ हो रहे हनन को लेकर नगर में विशाल रैली निकाली। रैली में कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। रैली में जिला अध्यक्ष मंजू जाट, जिला सचिव पूनम दायमा के साथ 5 ब्लॉक के सभी आशा एवं उषा सहयोगिनी कार्यकर्ता उपस्थित रही। रैली नगर में स्थित गणेश मंदिर से प्रारंभ होकर तहसील कार्यालय में पहुंची। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपनी मुख्य मांगों को लेकर नायब तहसीलदार भीम सिंह खराड़ी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हम लोग 2006 से नियुक्त किए गए हैं और आज तक हमको सब सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि आश्वासन ले लेकर ही जीते रहेंगे कि कुछ आगे हमारा कुछ होगा कि नहीं। अब इतने कम वेतन में हमारा कोई मतलब हमारा घर खर्चा भी नहीं चल पाता है और हम चाहते हैं कि जिसे कि मतलब उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। ज्यादा नहीं तो कम से कम आशा का 10,000 और सहयोगी का 15,000 वेतनमान फिक्स किया जाए। सरकारी कर्मचारी घोषित करने के साथ साथ हमें नियमितीकरण में जोड़ा जाए और हम चाहते हैं कि वेतन वृद्धि करे। अगर हमें नियमितीकरण में ना जोड़ा जाए कम से कम हमारा वेतन तो बढ़ा दिया जाए ताकि हम लोग जब भी हम काम करें तो कम से कम घर वालों को हमें कुछ कहना ना पड़े। नायब तहसीलदार भीम सिंह खराड़ी ने शासन स्तर पर ज्ञापन भेजने एवं जल्दी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। अब देखना यह है कि आश्वासन के बाद इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं, या फिर अपनी मांगों के लिए इन्हें और कड़े कदम उठाना पड़ेगा। रतलाम से अशोक परमार की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।